उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने बताया कि कोरोना संक्रमित या पृथक आवास में रह रहे लोग भी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों के मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी मतदान से एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव या पृथक आवास में रह रहे मतदाताओं की सूची संबंधित एसडीएम और खंड स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। एसडीएम संबंधित मतदान दलों को भी इसकी सूचना प्रदान करेंगे। दीपाश्वेता बनिक ने बताया कि खंड स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे मतदाताओं से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मी या पटवारी, पंचायत सचिव या अन्य किसी कर्मचारी के माध्यम से संपर्क करेगा। यदि कोई ऐसा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे कोविड-19 से संक्रमित सुरक्षा प्रोटोकॉल से अवगत करवाया जाएगा। खंड स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी इस श्रेणी के मतदाताओं का ब्यौरा संबंधित पीठासीन अधिकारियों को मतदान से एक दिन पहले ही उपलब्ध करवाएंगे तथा उनका मतदान सबसे अंत में यानी शाम 4 बजे के बाद करवाया जाएगा। इस दौरान मतदान दल के सदस्यों और पोलिंग एजेंटों के सिवाय अन्य सभी लोग मतदान केंद्र से दूर रहेंगे। ऐसे मतदाताओं का मतदान शुरू करने से पूर्व दोनों मतपेटियां मतदान केंद्र के द्वार पर मेज रखी जाएगी। इस दौरान पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट मतपेटियों से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर दूर से ही इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करेंगे। ये मतदाता अपनी फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र दूर से ही दिखाकर अपनी पहचान की पुष्टि करवा सकते हैं। पहचान के लिए उनके मुंह से मास्क नहीं हटवाया जाएगा तथा उनकी उंगली पर स्याही लगाने या मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अथवा अंगूठा लगाने की अनिवार्यता उन पर लागू नहीं होगी। पहचान सुनिश्चित होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इन मतदाताओं को फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे तथा बारी बारी से मतपत्र एवं मार्क सील दी जाएगी। प्रत्येक मत के बाद सील को सैनिटाइज किया जाएगा। सबसे अंत में कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा। इन मतदाताओं को उपलब्ध करवाए गए ग्लव्स खुले में नहीं फेंके जाएंगे। निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्ति चिकित्सा कर्मी इन ग्लव्स का सही निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। नगर निकाय में ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनावों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निकाय में ऐसे मतदाताओं की पहचान स्थापित करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं मतदान केंद्र के बाहर ही पूरी की जाएंगी। इसके बाद फेस शील्ड और ग्लव्स पहनाकर मतदाता को सीधे मतदान कक्ष में ले जाया जाएगा। हमारे जो आने वाले नगर निकाय तथा पंचायत की राज संस्थाओं के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स जो होम क्वारंटाइन है या कहीं और कोविड सेंटर्स में दाखिल हैं, उनको भी वोट करने का जो है, उनके वोट करने का मताधिकार का अवसर जो है उनको भी प्राप्त होगा। इसके चलते राज्य चुनाव आयोग द्वारा जो है वो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं विधिवत, और इसके चलते जो जो जहां जहां अपने घरों में क्वारंटाइंड है या किसी और सेंटर में क्वारंटाइंड है, वहां के जो संबंधित स्वास्थ्यकर्मी हैं या लोकल ऑफिसर्स हैं, वो रिटर्निंग अधिकारी को जो है समय रहते ऐसे इच्छुक लोग जो बीमार हैं पर फिर भी वोट का डालने में इच्छुक हैं, उनकी जो है समय रहते ही उनकी सूची बना के जानकारी देंगे, ताकि उनके बारे में जो है एडिक्वेट जो अरेंजमेंट्स हैं मतदान केंद्रों में वहां पे की जा सके। इसी के साथ साथ जो वोट डालने आएंगे ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं, संक्रमित हैं, वो लोग जो नॉर्मल वोटिंग का समय है 8 बजे से 4 बजे, उसके बाद जब बाकी लोग वोट देके जा चुके होंगे उसके बाद उनको लाया जाएगा वोटिंग केंद्रों में, और वहां पे भी सारी एहतियात बरतते हुए, दूरी जो का ध्यान रखते हुए जो है उनकी वोटिंग प्रक्रिया स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से और मतदान कर्मियों के सहयोग से जो पूरा किया जाएगा, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ साथ फोटो पहचान पत्र, जो भी फोटो युक्त पहचान पत्र, चाहे वो एपिक कार्ड हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की कोई भी पहचान पत्र हो, तो ऐसे लोग जो कोरोना संक्रमित हैं वो अपना मतदान करते समय जो है जरूर अपने साथ लेके आए, क्योंकि मास्क उतार के या बहुत नजदीक से जो है उनकी पहचान करनी जो है वो मुश्किल होगी। इसी के साथ साथ जो वोटर रजिस्टर में साइन होना होता है तथा हाथ में जो इंडेलिबल इंक, जो स्याही लगती है,
उसकी अनिवार्यता होती है जनरल तौर पे, लेकिन कोविड पेशेंट्स के लिए वो अनिवार्यता जो है वो लागू नहीं होगी और उसके चलते जो है उसको लगाना जरूरी नहीं होगा। और हमारे स्वास्थ्यकर्मी और हमारे फील्ड के ऑफिसर्स जो हैं वो हर तरह का सहयोग जो है ऐसे संक्रमित जो पेशेंट्स हैं उनको देंगे ताकि वो सुचारू रूप से जो है अपना मतदान का प्रयोग कर सकें।